नमस्कार, आप सभी को जयगांव मिरर्स के चैनल पे स्वागत करते हैं। दोस्तों, इस समय हम लोग मौजूद हैं NS रोड पे नेताजी सुभाष चंद्र बोस के स्टैचू के नज़दीक और आपको दृश्य दिखा रहे हैं। दोस्तों, कुछ दिन पहले हमने लाइव किया था जयगांव मिरर्स पे कि यहाँ के स्ट्रीट लाइट्स जो है वो नहीं जल रही थी, लेकिन अंत में आखिरकार प्रशासन नींद से जागी है और ये देख सकते हैं खूबसूरती जयगांव की। जब स्ट्रीट लाइट जलती है, काफ़ी लोगों को दिक्कत हो रही थी शाम के समय में, सूरज ढलने के बाद जो इवनिंग वॉक पे निकला करते थे अंधेरा रहता था, जयगांव जैसे कि भयगांव जैसा दिख रहा था, काफ़ी डरावना दृश्य देखने को मिल रहा था, अंधकार में लोग को जाना आना पड़ रहा था। लेकिन आज जो आपको दृश्य दिखा रहे हैं, जयगांव की सड़कें चमचमाती हुई रोशनी में नहा रही है। शुक्रिया अदा व्यतीत करना चाहूँगा जयगांव के प्रशासन को कि अंत में उन्होंने एक जो पहल किया है ये लाइटों को जलाने का, जिसका भी गलती था, जो भी इसमें खामियां थी उसको सुधारने का उन्होंने प्रयत्न किया है और इन लाइटों को जलाने का जिम्मेदारी लेते हुए NS रोड की सारी स्ट्रीट लाइट जो कि रोड के दोनों तरफ है वो जल रही हैं। भले ही रोड के बीचों बीच जो डिवाइडर पे है शायद वो ऑपरेशनल नहीं है, सुनने में आया है कि उसको रिपेयर की ज़रूरत है, इसी कारण से ये लाइटें जो डिवाइडर में है नहीं जल रही हैं, लेकिन बाकी जो लाइटें हैं जो सड़कों के दोनों तरफ में जो मौजूद हैं वो सभी लाइटें जल रही हैं। तो शुक्रिया अदा जयगांव के प्रशासन को कि अंत में उन्होंने जयगांव वासियों के दुख दर्द को समझा और जो जयगांव की स्ट्रीट लाइटें हैं उनको जलाने का कष्ट किया। कष्ट इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि कुछ लोग हैं जो काम करते हैं, जिनका जिम्मेदारी होता है इन लाइटों को जलाना और समय पे बुझाना, मतलब ऑन ऑफ करना, शायद उनके शायद कोई लापरवाही होगी इसके वजह से ये स्ट्रीट लाइटें नहीं जल रही थी, और ये समझा जा सकता है क्योंकि समय ऐसा चल रहा था कि ज़्यादातर लोग बाहर नहीं निकलते थे, तो हो सकता है कोई वजह हो, शायद वो व्यक्ति बीमार हो या कोई पर्सनल रीज़न के कारण वो ड्यूटी पे ना आ रहा हो, जो खैर जो भी कोई प्रॉब्लम हो, इस समय हार्टली वी थैंक्स द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जयगांव फॉर लाइटिंग ऑफ दिस स्ट्रीट लाइट्स, तहे दिल से शुक्रिया अदा। और देख सकते हैं जब ये लाइटें जलती हैं तो जयगांव का जो चेहरा है, भले ही अंधकार रहा करता था लेकिन आज जैसे कि ये लाइट में चमचमाती रोशनी में जयगांव जैसे कि फिर से जीवित हो चुकी है। समय ऐसा है कि ज़्यादातर दुकानें बंद रहती हैं, वो खैर अलग बात है, लेकिन जब जो रास्ता है NS रोड है, जब इस तरह से रोशनी जलती है, एक कमेंट आ रहा है कि वेस्टेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मतलब लाइट इसलिए नहीं जलाया जा रहा था क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी बचाया जा रहा था। तो अग्रवाल जी, आपको ये सूचित कर दें कि आप जितना इलेक्ट्रिसिटी बचाने का कोशिश किए होंगे, पता नहीं, ये खैर एक मतलब सुझाव के तौर पे, एक सजेशन के तौर पे या एक कमेंट के तौर पे ही है, लेकिन अगर प्रशासन अगर इलेक्ट्रिसिटी वेस्टेज सोच के अगर बचाने के लिए ऑफ करके रखी थी या ऑन करके नहीं रखी थी, तो मेरे ख्याल से उस पीरियड में, आपको बता दें कि इस पीरियड में कुछ घटनाएं भी घटी है, कुछ जो जयगांव वासी हैं, कुछ के मोबाइल स्नैचिंग के केसेस सुनने में आया है, चेन स्नैचिंग के केसेस सुनने में आया है और तरह तरह की घटनाएं, क्राइम बढ़ी है ऐसे समय में, क्योंकि जो इविल माइंडेड लोग होते हैं, जो मतलब एंटी सोशल एलिमेंट्स होते हैं, वो इसी अंधकार का फ़ायदा उठा के क्राइम को अंजाम देते हैं। तो
सुरक्षा को मद्देनज़र रखते हुए ये स्ट्रीट लाइट जलाना बहुत ही ज़रूरत था। और एक बार फिर से जयगांव मिरर्स टीम की तरफ से जयगांव प्रशासन को तहे दिल से शुक्रिया अदा कि आपने इन लाइटों को जलाया है। लेकिन रिक्वेस्ट यही है कि सही समय पे इन लाइटों को जलाया जाए और सही समय पे इन लाइट को फिर बुझा दिया जाए। और एक कमेंट ये भी आ रहा है, व्हाट अबाउट MG रोड। जी हाँ, मैं प्रशासन को ये भी बता दूँ, इस समय भले ही मैं NS रोड पर मौजूद हूँ, लेकिन देखने को ये मिल रहा है कि MG रोड की जो स्ट्रीट लाइटें हैं नहीं जल रही हैं। तो कृपया करके प्रशासन इस पर ध्यान दे और MG रोड की भी लाइटों को, स्ट्रीट लाइटों को जलाने का थोड़ा बहुत कष्ट करें। ये अपील है जयगांव मिरर्स के तरफ से, जयगांव वासियों के तरफ से। एक जरिया बनने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग और आशा करते हैं कि हमारी जो जयगांव वासियों की आवाज़ है प्रशासन तक पहुंचेगी। और ये भी अपील है प्रशासन से कि ये जो लाइटें जलती हैं दिन के समय में इसको बुझा दिया जाए, क्योंकि मैंने देखा है कि दिन के उजाले में भी करीबन 10 12 बजे 2 बजे भी कुछ लाइटें जलती रहती हैं। तो फ़िलहाल इस समय रात है, खैर कल आपको दिखाएंगे, अगर कल अगर जल रही होंगी तो मैं आपको ज़रूर वो तस्वीरें भी दिखाने की कोशिश करेंगे। फ़िलहाल NS रोड पे स्ट्रीट लाइटें जलना शुरू हो गई हैं, खुशी की बात है, लेकिन अभी भी खुशी मनाने लायक पूरी तरह नहीं है, क्योंकि MG रोड की लाइटें अभी, स्ट्रीट लाइटें जलने बाकी हैं। प्रशासन इस पे ध्यान दे और जल्द से जल्द उस रोड पे भी, यानी MG रोड पे भी स्ट्रीट लाइटों को जलाने का कष्ट करें, जिम्मेदारी लें। और एक बार फिर से एक और अपील है जयगांव एडमिनिस्ट्रेशन से कि जो भी व्यक्ति को इस काम पे रखा गया है, जो ये लाइटें समय पे जलाते हैं और फिर बंद करते हैं, उनसे अपील है कि इसको समय पे लाइट ऑन करें और समय पे ऑफ़ भी कर दें, क्योंकि दिन के समय पे कतई इसको ना जलाएं। उजाले के समय में ये लाइट जलाना कोई मतलब नहीं बनता, बिजली का भी वेस्टेज होता है। और मेरे ख्याल से वो बिजली किसी गरीब के घर पे जले तो मेरे ख्याल से काफ़ी बेहतर हो। तो बचत सब चीज़ में करना ज़रूरी है। एक बार फिर से मैं इस समय अलविदा लेना चाहूँगा आप सभी को। जयगांव मिरर्स के साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। ऐसे ही देखते रहिएगा हमेशा आपका अपना चैनल, आपका प्रिय, आपका होस्ट विजय कुमार गुप्ता, ऐसे ही लाइव आते रहेंगे आपके समक्ष। थैंक यू फॉर वॉचिंग जयगांव मिरर्स, कीप ऑन वॉचिंग जयगांव मिरर्स। थैंक यू।